13 अगस्त को बॉलीवुड अभिनेत्री श्रीदेवी का जन्मदिन होता है, लेकिन ऐसे में अब वो हम लोगों से बहुत दूर यानी दुनिया को अलविदा कहकर जा चुकी हैं। इस कड़ी में उनकी बेटी जाह्नवी कपूर ने अपनी माँ श्रीदेवी के बर्थडे पर एक स्पेशल इंतजाम किया है। दरअसल जाह्नवी कपूर ने अपनी माँ श्रीदेवी को याद करते हुए सोशल मीडिया पर उनकी याद में एक पुरानी फोटो शेयर की है। उस दौरान जाह्नवी ने एक इमोशनल नोट भी लिखा है, जिसमें लिखा है, हैप्पी बर्थडे मामा, मुझे आपकी बहुत याद आती है, सब कुछ आपके लिए है, हमेशा और हर दिन, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। इसके साथ ही जाह्नवी ने एक दिल वाला इमोजी भी जोड़ा। आपको बता दें कि श्रीदेवी का साल 2018 में दुबई में एक फैमिली वेडिंग अटेंड करने के दौरान निधन हो गया था और इस साल की शुरुआत में उनकी तीसरी डेथ एनिवर्सरी थी। वहीं उनके निधन के कुछ महीने बाद यानी साल 2018 में जाह्नवी ने फिल्म धड़क से अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत कर दी थी। इन सब के बीच जाह्नवी ने एक बार एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि उन्होंने जब अपनी मां को बताया था कि वो एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहती हैं, तो उनकी मां बेहद परेशान और निराश हो गई थी, क्योंकि उनकी मां उनको एक डॉक्टर बनाना चाहती थी, लेकिन वो डॉक्टर नहीं बनना चाहती थी, क्योंकि उन्हें तो एक्टिंग का कीड़ा काट चुका था। इसके साथ ही जाह्नवी ने कहा कि मैं मॉम को सॉरी बोलना चाहती हूँ, क्योंकि उस वक्त मेरे अंदर डॉक्टर बनने लायक समझदारी नहीं थी। इसके आगे जाह्नवी ने बताया कि माँ मेरे एक्ट्रेस बनने की बात को लेकर बेहद टेंशन में रहती थी, लेकिन पापा ने उन्हें इसके लिए मेंटली प्रिपेयर किया और पापा ने मेरी बहुत मदद की। पापा बहुत सपोर्टिव रहे और उसके बाद पापा के कहने पर माँ बाद में मान गई, जिसके बाद मैंने माँ के कहने पर एक्टिंग करियर में शुरुआत की। हालांकि अब माँ हमारे बीच नहीं है, ऐसे में मैं माँ को बहुत मिस करती हूँ। आई लव यू मम्मी। एंटरटेनमेंट डेस्क, नमन सत्य न्यूज़।